एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी कार्यालय कन्नौज में मौजूद है। कन्नौज में कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समझते हैं कन्नौज का माहौल क्या, वोट मांगने जानते जाते हैं तो जनता का क्या रिस्पॉन्स आता, क्या माहौल देखते हैं आप कन्नौज का? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं कन्नौज से। जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नामांकन किया है, कन्नौज की जनता, हर समाज, हर वर्ग की जनता उन्हें वोट दे रही है। कन्नौज में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके चुनाव लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इमरान बिन जफर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक, कैसा मुकाबला आप देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का तो अभी कहीं जिक्र नहीं है। जहाँ तक भाजपा के प्रत्याशी की बात है, उन्होंने अपने पैर में इतनी ज़्यादा कुल्हाड़ी मार ली, एक कहावत होती है ध्यान गांव देहात की, कि उन्होंने अपनी इतनी भाषा, इतनी जुबान गंदी बोली है, इन 5 सालों में कोई तो विकास नहीं किया, 5 साल कहीं जनता के पास आए नहीं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और सुब्रत पाठक भाजपा के प्रत्याशी से कोई तुलना ही नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कन्नौज में इतना विकास किया, अब वो 2009 के बाद अब वो दोबारा 2022 में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, 2024 में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, कैसा मुकाबला देखते हैं सुब्रत पाठक से राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अखिलेश यादव का? कोई मुकाबला ही नहीं है, एक तरफा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कम से कम 3-4 लाख वोटों से जीतेंगे कन्नौज में। सुब्रत पाठक कहते हैं मोदी की गारंटी है फ्री राशन, सम्मान निधि, ये मुद्दे बनेंगे चुनाव में, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा बनेगा, क्या लगता है आपको ये मुद्दे बन पाएंगे? मोदी की गारंटी कोई नहीं, हमारे यहाँ मुद्दा चल रहा है, यहाँ अखिलेश जी का जो वादे रहे, जो विकास किया, उस पर हम लोग, जनता उनको वोट दे रही है। कन्नौज में उन्होंने इतना विकास किया है, विकास के और मोदी की गारंटी का यहाँ कोई असर नहीं है। आपको क्या लगता है कैसा माहौल देखते हैं कन्नौज लोकसभा? माहौल का चुनाव एकदम बहुत बढ़िया, जीत रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इतना बड़ा मार्जिन 3 लाख कम से कम, 3 लाख से जीत, चुनाव फंस गया। अरे कतई कोई मतलब ही नहीं है, नहीं किसी से कोई लड़ाई नहीं, एक तरफा चुनाव है राष्ट्रीय अध्यक्ष। हर समुदाय का वोट ले पा रहे हैं कि मामला लगता है अभी भी कहीं अटका हुआ? नहीं, कहीं नहीं अटका है मामला, जी चुनाव जीतेंगे। सुब्रत पाठक कैसी लड़ाई में? वो बहुत पाछे हैं, पीछे लड़ाई में सर, आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया, बहुत किया है काम, इन्होंने कुछ नहीं किया है, पाठक जी ने कुछ नहीं किया है। वोट मांगने आप लोग जाते होंगे तो कैसा जनता का रिस्पॉन्स रहता है? जनता ये कहती है हम वोट देंगे, इनने कुछ नहीं किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वोट देंगे। और कुछ लोगों में बात करते हैं, भैया क्या माहौल देखते हैं चुनाव में, आप लोग वोट मांगने जाते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता? देखिए, सबसे पहले हम लोगों से ज़्यादा जनता खुद वोट देने को इच्छुक बैठी है, वो बस ये कहती है हमारे अखिलेश जी का नाम ही जनता के लिए काफ़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे चुनाव जीत रहे हैं, कम से कम 2 से 2.5 लाख वोटों से। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काम किया कि भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज में काम? आप ये तो आपको खुद बताना चाहिए भाई, आप भी तो देख नगर में घूमे होंगे, जितने कार्य किए सब समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए, और माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी और डिंपल जी जब हमारी सांसद थी उस कार्यकाल में किए गए, उस भाजपा ने तो खाली भाई हाल है काम करे कोई और झाड़ू लगाए कोई और, भाजपा कोई काम नहीं भाजपा ने किया है। सुब्रत पाठक प्रत्याशी, कैसा आप देखते हैं चुनाव को? भैया आज हमारे, हम तो आपसे सीधी बात इतना एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पाठक जी से खुद ही आप पूछ लीजिए जाके कि अपने 5 काम हमें कन्नौज नगर के गिना दें, हम खुद जान जाएंगे कि उन्होंने पूरे जिले में काम किया हो। इतना बड़ा मार्जिन रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जीत का यहाँ? अरे कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से हम लोग जिता के भेजेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, क्योंकि जनता ने कर लिए अपने फाटक बंद, क्योंकि हार गए सुब्रत पाठक, हार गए कन्फर्म। वोट मांगने जाते हैं गांव की जनता क्या कहती है जब लोग वोट जाते हैं, कैसे रिस्पॉन्स? तो उस सब बातों का एक जवाब बंद कर लिए जनता ने अपने घर के फाटक, क्योंकि हार गए सुब्रत पाठक, तय है, बिल्कुल तय है। और कुछ लोगों